गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हम फर्स्ट एड पढ़ रहे थे जिसमें मैंने आपको वुंड और कट के बारे में बता दिया था कि कट और वुंड हो जाए तो क्या फर्स्ट एड करनी चाहिए। आज मैं आपको बता रही हूँ नोज ब्लीडिंग, जिसको हम नक्सीरी कहते हैं, नाक में से खून आना। ये मोस्टली छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है और खासकर जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। दिस इज वेरी कॉमन अमंग चिल्ड्रन ड्यूरिंग समर वेन द डेज आर वेरी हॉट। ये बच्चों में मोस्टली होता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा दिन गर्म होते हैं, खासकर गर्मियों के मौसम में। क्यों होता है ये? इट इज़ ड्यू टू द रप्चरिंग ऑफ द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। ये जो ब्लड वेसल्स की वॉल होती हैं वो रप्चर हो जाती है, टूट जाती है, जिसके कारण खून नाक में से खून आने लग जाता है। वाइल नोज ब्लीडिंग द पेशेंट शुड बी मेड टू सिट विद हिज हेड टिल्ट बैक। जिस बच्चे के नोज ब्लीडिंग होती है, जिस पेशेंट के नोज ब्लीडिंग होती है, उसको थोड़ा सा उसको ऐसे बिठाए कि उसका सिर थोड़ी से पीछे हो, जैसे कुर्सी में बिठाए तो उसका हेड थोड़ा पीछे हो। प्रेस द ब्लीडिंग साइड ऑफ द नोज विद योर फिंगर फॉर ए फ्यू मिनट्स। प्रेस द ब्लीडिंग साइड, जिस नोस्ट्रिल साइड में खून आ रहा है उसको फिंगर से लगाकर बंद कर दीजिए, उसको दबा दीजिए कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए। ड्यूरिंग नोज ब्लीडिंग पर्सन शुड ब्रीथ थ्रू द माउथ नॉट थ्रू द नोज। जिसके नोज ब्लीडिंग हो रही है उसको कहिए कि वो नाक से सांस ना लेकर मुंह से सांस ले कुछ समय के लिए। एन आइस पैक और ए वेट कॉटन क्लॉथ कैन बी पुट ऑन द नोज एंड ऑन द ऑफ ए पर्सन नेक टू द स्टॉप द नोज ब्लीडिंग। जिसके नोज ब्लीडिंग होती है, एक सूती कपड़ा या कपड़े में बर्फ लपेट कर उसके नाक पे रखिए। और नहीं ऐसी सिचुएशन है कि आप वहाँ पर आपको आइस पैक नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, ठंडा पानी उसके सिर पर धीरे धीरे डाल दीजिए, धीरे धीरे उसका नाक में से खून आना बंद हो जाएगा। ये तो थी बेटा फर्स्ट एड हो जाए तो घबराना नहीं चाहिए, उसमें आप ये तीन चार बातों की सावधानी रख के नोज ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। अब आगे आता हमारा स्प्रेन। स्प्रेन क्या होता है? जैसे हम बैठे अचानक उठ जाते हैं तो एक कमर में कहीं भी स्प्रेन आ जाता है, झटका सा करंट सा लगता है और वो बाद में बहुत दुखता है। स्प्रेन आर वेरी पेनफुल, बड़ा दर्ददायक होता है एंड कोज बाय टीरिंग ऑफ टिश्यू अराउंड टिश्यू, और ये टिश्यू के टीरिंग होने से होता है। देर में भी स्वेलिंग, कई बार ज़्यादा स्प्रेन आ जाए तो स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है और उस जगह से स्किन का कलर उड़ जाता है, मतलब नील पड़ जाता है, जैसे नीला नीला हो जाता है ना, जिसको हम अपनी आम भाषा में नील कहते हैं, नील पड़ जाता है। तो ऐसे में क्या करें? डू नॉट मैसेज स्प्रेन एरिया, जो स्प्रेन जहाँ पर स्प्रेन आया उसको मैसेज मत करिए, उसको मालिश मत करिए। डू नॉट मूव द स्प्रेन एरिया, जिस हाथ में आया है, पैर में आया, कमर में आया, उसको हिलाइए मत। कीप एन आइस पैक टू रिड्यूस स्वेलिंग एंड पेन। यदि वहाँ पर स्वेलिंग और दर्द हो रहा है तो एक आइस क्यूब को कपड़े में लगाकर उस जगह से उसकी सिकाई कर लीजिए तो आपकी जो स्वेलिंग है वो धीरे धीरे उतर जाएगी और आपके दर्द में भी आराम आ जाएगा। थर्ड आता है हमारा फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का मतलब होता है व्हेन ए बोन इन द बॉडी ब्रेक और क्रेक, इट इज कॉल्ड फ्रैक्चर। कई बार क्या होता है, हम चलते चलते पैर मुस जाता है, गिर जाते हैं तो कई बार हड्डी में क्रैक आ जाती है, ब्रेक नहीं होती, क्रैक आ जाती है, एक हल्का सा बाल नुमा क्रैक हो जाता है और कई बार हड्डी टूट जाती है, जिसको हम फ्रैक्चर कहते हैं। इट इज़ वेरी पेनफुल, इसमें बहुत दर्द होता है, जिस पार्ट में होता है वो पार्ट हमारा उठ भी नहीं पाता और दर्द की वजह से जिसको होता है वो खड़ा उठता है। इसमें क्या करना चाहिए? द फ्रैक्चर बॉडी पार्ट मस्ट बी अलाउड टू मूव। जिसमें ये हुआ है, चाहे हाथ है चाहे पैर है, उसको मस्ट नॉट बी अलाउड टू मूव, उसको हिलाना नहीं चाहिए। अ स्लिंग मेड ऑफ ट्रेंगुलर क्लॉथ कैन बी यूज फॉर स्पॉटिंग द फ्रैक्चर ऑफ हैंड। स्लिंग आपने देखा होगा, ये जैसे दिखा रखा है पिक्चर में, ये स्लिंग है, ऐसे ट्रेंगुलर क्लॉथ को ऐसे हाथ में हो रहा है तो गले में पट्टा डाल के ऐसे इसको स्पोर्ट देना चाहिए ताकि ये हिले डुले नहीं, क्योंकि हिले डुलेगा तो जो हड्डी है वो कहीं पर जाकर लग जाएगी और उससे आपका जो हाथ है वो टेढ़ा हो सकता है। स्प्लिंट इज यूज टू गिव सपोर्ट टू द ब्रोकन बोन एंड मेंटेन द बॉडी पार्ट इन फिक्स्ड पोजिशन। स्प्लिंट होता है, आपने कभी देखो किसी के हाथ में या पैर की हड्डी टूटी है तो एक लकड़ी का एक सपोर्ट देते हैं ताकि वो हड्डी सीधी रहे और वो जहाँ उसको ज्वाइन किया वो सीधी जुड़े, टेढ़ी हड्डी ना जुड़ जाए, उसको स्प्लिंट कहते हैं। सपोर्ट, ब्रोकन बोन को सपोर्ट देने के लिए इसको यूज किया
जाता है। लास्ट है कीप द पेशेंट कॉम एंड स्टिल अनटिल डॉक्टर अराइव और बिफोर रीचिंग ए हॉस्पिटल। जिसके साथ ही घटना हुई है उसको कहिए, उस पेशेंट को कहिए कि शांत रहे, परेशान ना हो, घबराए ना, और जब तक आप उसको डॉक्टर के पास ना ले जाएं और जब तक आप हॉस्पिटल ना पहुंच जाएं। इसके बाद आती है हमारी फायर। फायर क्या होती है? आग लगना। द मेन रीजन ऑफ द फायर इन अवर होम इज केयरलेस। घर में आग कब लगती है? जब हम लापरवाह हो जाते हैं, जब हम ध्यान नहीं देते। मैनी ऑफ अस टाइम नॉट फॉलो सेफ्टी रूल्स। और जब ये होता है जब हम सेफ्टी रूल को, जो सुरक्षा के नियम है उसको फॉलो, उनका अनुकरण नहीं करते, उनके अनुसार काम नहीं करते, जल्दबाजी में काम करते हैं और उसमें कोई गलती हम कर बैठते हैं और उससे आग लग जाती है। डिफेक्टिव इलेक्ट्रिक वायरिंग। स्विच खराब है, तार कट गया है तो भी हम उसमें चलाते रहते हैं। मिस हैपनिंग ऑफ केरोसिन और गैस स्टोव। जल्द जल्दी काम किया, गैस स्टोव को मंदी करके छोड़ दिया या उसको बंद करना भूल गए। और आजकल तो मिट्टी का तेल कोई यूज़ नहीं कर दिया, लेकिन पुराने समय में केरोसिन ऑयल स्टोव, केरोसिन स्टोव यूज़ करते थे, जिससे भी उसमें उससे ज़्यादा घटनाएं होती थी। एंड कोज ए फायर, जिसे आग लग जाती है। फायर कोज ग्रेट डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड सम टाइम टू आवर लाइफ आल्सो। आग से नुकसान तो होता ही है, घर में जो सामान होता सारा जल जाता है और कई बार तो घर में लोगों की जान भी चली जाती है। जनरली फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाई थ्रोइंग वाटर और सैड। जनरली आग को हम पानी और रेत डालकर बुझा सकते हैं, लेकिन सब में एक जैसा केस नहीं होता, सबके अलग अलग प्रिकॉशन है। क्या करते हैं ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, आप इसको इतने करिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगी कि आग बिजली से लग जाए या वैसे लग जाए तो कैसे हम उसको एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। थैंक यू बेटा।